Hello everyone, I am Sapan Parikh, Chartered Accountant and Cost Accountant. और ये जो वीडियो है वो स्पेशली NM कॉलेज के बच्चों के लिए बनाया है. इट इज़ अ सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट टेस्ट. जो फर्स्ट टेस्ट अभी यस्टरडे हुआ है अकाउंट्स का, तो उसका सोल्यूशन हमने बनाया है. एग्ज़ाम के पहले भी हमने एक लाइव सेशन रखा था बच्चों के लिए, और ये उसका सोल्यूशन है अकाउंट्स का. तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो में आपकी सारी जो भी आंसर्स आपने लिखे हैं, राइट है रॉन्ग है, पता चल जाएगा. कुछ बच्चों ने, मैंने सुना है, कॉमन मिस्टेक्स की हैं. अकाउंट्स का पेपर काफ़ी बच्चों के लिए थोड़ा टफ गया था, तो आइए चलिए देखते हैं सॉल्यूशन क्या होगा. तो ये हमने आपका क्वेश्चन पेपर स्कैन किया है, MCQs के आंसर यहाँ पे लिखे हैं. फर्स्ट वन इज इन डैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रेवेन्यू एंड एसेट्स आर जनरली रिकॉर्डेड ऑन कैश बेसिस whereas expenses are recorded on accrual basis. तो बच्चों ऐसा हाइब्रिड सिस्टम में करते हैं, तो हाइब्रिड इसका आंसर है. कन्वेंशनल सिस्टम मतलब बहुत ही जूना सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज इंडियन सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग हाईलाइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेजेस इन द अकाउंटिंग साइकिल. बच्चों ये क्वेश्चन के आंसर के लिए ना आपके 11th की टेक्स्ट बुक का इंडेक्स देखोगे ना तो भी पता चल जाएगा कि पहले चैप्टर है आपका जर्नल एंट्री का, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है लेजर का, उसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्रायल बैलेंस का, और फिर आता है फाइनल अकाउंट्स का. तो ये हमारे स्टेजेस होते हैं अकाउंटिंग साइकिल में. इक्वेशन फॉर्म में बच्चों हमें पता है कि हम जब सम सॉल्व करते हैं तो हम एक इक्वेशन लिखते हैं, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल. तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट है. यहाँ पे इनकरेक्ट क्या है वो पूछा है ना. तो ये वाला जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज अगर लायबिलिटी को यहाँ लेके जाते हैं तो एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल होता है, वेरज यहाँ पे लिखा है लायबिलिटी प्लस एसेट इज कैपिटल. सो दिस इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ओके, अकाउंटिंग रिकॉर्ड ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज इज रिक्वायर्ड बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों इसको यूज करते हैं, मैनेजमेंट यूज करता है, आउटसाइडर मतलब इन्वेस्टर्स वगैरह यूज करते हैं, गवर्नमेंट भी यूज करता है. तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. सेकेंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे आपके लिए चार्ट बना दिया है. ये रहा इसका चार्ट. तो फर्स्ट BMC ये है पर्सनल अकाउंट, फिर ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ये है नॉमिनल अकाउंट, ये एक्सपेंस है. फिक्स डिपॉजिट ये एक इन्वेस्टमेंट है तो इट इज़ अ रियल अकाउंट. डिविडेंड रिसीवेबल, यहाँ पे मैंने डिविडेंड इग्नोर किया है, वर्ड रिसीवेबल पे ध्यान दिया है, और अगर रिसीवेबल है तो जिससे भी रिसीवेबल है वो मेरा पर्सनल अकाउंट होता है. अगर सिर्फ डिविडेंड लिखा होता बच्चों देन वी वुड कंसिडर एज इनकम एंड देयरफॉर नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, अभी नेक्स्ट लेते हैं ऑफिस स्टेशनरी. तो ऑफिस स्टेशनरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है, ये एक एक्सपेंस है, सो इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. कॉपीराइट, कॉपीराइट रियल अकाउंट है. ड्राइंग्स, ड्राइंग्स एक्चुअली ओनर का अकाउंट है तो पर्सनल अकाउंट है. इक्विपमेंट रियल अकाउंट है, ये एक एसेट का अकाउंट है. प्रीपेड इंश्योरेंस ये एक पर्सनल अकाउंट होता है, इट्स अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो ये प्रॉफिट है तो देयरफॉर इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. ठीक है, अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कुछ क्वेरी है रिगार्डिंग द आंसर दैट आई हैव पुट देन यू आर रिक्वेस्टेड टू पुट अप अ कमेंट इन द सेक्शन बिलो एंड आई एम श्योर आई विल बी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज. ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और मैंने सुना है बच्चों से मेरे कि इसमें थोड़ा गड़बड़ हो गया है एक दो एडजस्टमेंट में, स्पेशली सी पॉइंट में बच्चों ने काफ़ी गड़बड़ कर दिया है. तो बच्चों सबसे पहले जानना ये ज़रूरी था कि ये जो बिज़नेस है ना वो बिज़नेस किसका है. तो शायद जो सम्स आपने प्रैक्टिस किए होंगे वो सारे के सारे सम्स बिज़नेस के मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के या ट्रेडिंग के किए होंगे, और ये क्वेश्चन बहुत ही स्मार्टली पूछा गया था. इट वाज अ क्वेश्चन ऑन सर्विसेज, और ये कौन सा सर्विस है, ट्रांसपोर्ट सर्विस. तो कोई गुड्स बेचने का बिजनेस नहीं है, हम सर्विस दे रहे हैं. हमारा एक कंपनी है जहाँ पे हम से एग्जांपल गुड्स ट्रांसपोर्ट का बिजनेस कर रहे हैं, तो हम ए लोकेशन से
बी लोकेशन पे किसी भी कस्टमर के कोई भी गुड्स पहुंचाते हैं और इसके लिए हम चार्जेस लेते हैं। तो झील यहाँ पे इक्वेशन फॉर्म में हमें आंसर देना है, तो अवर इक्वेशन इज एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सो झील इन्वेस्टेड रुपीज 6 लाख एंड इक्विपमेंट रुपीज 9 लाख। तो ये दोनों बिजनेस के लिए एसेट है और ये बिजनेस में आ रहे हैं, तो इसीलिए 6 लाख 9000 से एसेट बढ़ेगा। ये दोनों चीज झील लेके आई है जो ओनर है, एंड देयरफॉर कैपिटल विल इंक्रीज बाय 6 लाख 9000। सेकेंड ट्रांजैक्शन, ट्रक परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ट्रक इज एन एसेट फॉर द बिजनेस बिकॉज ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस है, उसके लिए ट्रक जो है वो एसेट है, तो एसेट विल इंक्रीज बाय 4 लाख 30। एंड ये क्रेडिट पे खरीदा गया है तो हमने कैश अभी नहीं दिया है, तो जो सप्लायर है उसको हम एक फ्यूचर डेट पे कैश देंगे, एंड देयरफॉर द कैश इज लायबिलिटी, सॉरी द क्रेडिट अमाउंट विच इज पेएबल इज अ लायबिलिटी, सो लायबिलिटी विल इंक्रीज बाय 4 लाख 30,000। ये सी ट्रांजैक्शन में काफी बच्चों ने मिस्टेक किया ऐसे मुझे लग रहा है, तो आइए समझते हैं क्या है। बिल सेंट टू कस्टमर कविश फॉर सर्विसेस। सो एग्जाम्पल, हमने कविश को एक सर्विस दिया, कविश के गुड्स हमने विले पार्ले से पिक किए एंड हमने वो गुड्स को कांदीवली में उसके कस्टमर के यहाँ पे ड्रॉप किया, डिलीवर किया, और ये सर्विसेज के लिए हमने उसको 7,200 रुपीज चार्ज किया जिसका बिल हमने उसको भेजा। मतलब सर्विस तो हमने दे दिया है तो वो हमारे लिए इनकम है, और इनकम है इसीलिए प्रॉफिट है, और प्रॉफिट है इसीलिए कैपिटल ऐड होगा। फाइनली द प्रॉफिट बिलोंग्स टू द ओनर, तो 7,200 से कैपिटल इंक्रीज होगा क्योंकि प्रॉफिट होने वाला है। और कविश ने अभी पैसे नहीं दिए हैं, राइट नाउ ही हैज नॉट पेड, अभी तो हमने उसको बिल भेजा है, तो कविश इज अ रिसीवेबल, वी हैव टू रिसीव मनी फ्रॉम हिम, एंड देयरफॉर कविश इज एन एसेट फॉर अस। जिससे भी पैसे लेने हैं वो हमारे लिए एक एसेट होता है, तो इसलिए हम इसको 7,200 एसेट में ऐड करेंगे। ये 1039 में ये ऐड हो जाएगा, 10,46,200, 430 इज अ लायबिलिटी और कैपिटल हो गया 6,16,200। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, कविश ने पार्ट पेमेंट किया, हमें उससे 7,200 लेने थे, उसने पार्ट पेमेंट किया है, ये है ना फुल सेटलमेंट नहीं है बच्चों, मतलब डोंट कंसिडर 1200 एज डिस्काउंट, ठीक है, बाकी का 1200 वो बाद में देगा, तो अभी वो पार्ट पेमेंट दे रहा है, तो एक एसेट अपना फॉर्म चेंज करके दूसरे एसेट में कन्वर्ट हो रही है। एक फॉर्म है कविश से रिसीवेबल था ना, वो कन्वर्ट हो गया और हमें कैश मिल गया, तो अभी वो कैश में आ गया। तो आप नोट करें कि कैश 6000 से बढ़ रहा है विच इज एन एसेट, और कविश से लेना था जो अब लेना नहीं है, तो एसेट 6000 से कम भी हो रहा है, तो जो कुछ भी हो रहा है वो लेफ्ट हैंड साइड पे हो रहा है, ऐड या लेस, तो फाइनल आंसर स्टिल रिमेन्स द सेम जो इसके पहले था। लास्ट ट्रांजैक्शन ये क्वेश्चन का, इक्विपमेंट ऑफ रुपीज 1200 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज। तो ये बिजनेस के इक्विपमेंट थे, बिजनेस का एसेट था, हमने उसको फर्स्ट पॉइंट में लिया था, इधर ये 9000 में इक्विपमेंट है, तो ये इक्विपमेंट ओनर यानी कि झील पर्सनल काम के लिए लेके जा रही है, तो बिजनेस का एसेट कम हो रहा है 1200 रुपीज से, इसलिए हमने उसको सब्ट्रैक्ट किया। एंड बिकॉज दिस इज ड्रॉइंग्स, जो कैपिटल वो लेके आ रही थी उसी में से कुछ लेके जा रही है वापस, सो देयरफॉर कैपिटल विल रिड्यूस बाय 1200। सो 10,45,000 इज 4,30,000 प्लस 6,15,000। ये 5 मार्क का क्वेश्चन था, तो आई सपोज एवरी ट्रांजैक्शन विल कैरी 1 मार्क, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन 4 में ट्रेडिशनल अप्रोच से हमें एनालिसिस करने को कहा गया है। ट्रांजैक्शन को यहाँ पे मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे कॉलम्स हैं हमारे अकाउंट्स इन्वॉल्व, उसमें से कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और फिर डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखना। सो बेसिकली दिस इज अ जर्नल एंट्री दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर बेस्ड ऑन ट्रेडिशनल अप्रोच। तो कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश रुपीज 5 लाख।
तो इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. कैश रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, इसीलिए कैश डेबिट होगा. कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट का रूल है क्रेडिट द गिवर, इसीलिए कैपिटल क्रेडिट होगा. सो कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 5 लाख. ओके, सेकेंड ट्रांजैक्शन है ओपन्ड अ बैंक अकाउंट विथ रुपीज 50 लाख. मतलब हमारे पास जो कैश था वो कैश में से 50,000 रुपये हमने डिपॉजिट किया बैंक में. बैंक में अकाउंट खोला और 50,000 डिपॉजिट किया. तो दो अकाउंट इन्वॉल्व हैं, एक है बैंक अकाउंट और दूसरा है कैश अकाउंट. तो बैंक अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर. तो ये ट्रांजैक्शन में बैंक इज रिसीविंग द मनी, देयरफॉर बैंक को हम डेबिट करेंगे 50,000 से. कैश इज रियल अकाउंट और रियल अकाउंट का रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यहां पे कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम आवर बिजनेस एंड देयरफॉर कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड विथ 50,000. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 60,000 गुड्स परचेस्ड फ्रॉम मैक्सिमस एंड पेड हाफ इन कैश. इसका मतलब है कि बैलेंस हाफ जो है ना वो क्रेडिट पे है, हमने उसको प्रॉमिस किया है कि बाकी का आधा पैसा हम फ्यूचर में देंगे आपको. तो बच्चों इसमें तीन अकाउंट इन्वॉल्व हैं. एक है परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स परचेज किया गया है. दूसरा है मैक्सिमस अकाउंट, क्योंकि क्रेडिट पे परचेज किया गया है. और तीसरा है कैश अकाउंट, क्योंकि हम कैश पे कर रहे हैं. सो थ्री अकाउंट्स आर इन्वॉल्व. इसको कंबाइंड एंट्री भी बोला जाता है, जहां पे दो से ज्यादा अकाउंट को हम कंबाइंड करके एक एंट्री पास कर रहे हैं. तो परचेज में, परचेज इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसीलिए परचेज को डेबिट किया. इसको देखने का एक और नजरिया होता है, गुड्स अकाउंट के एंगल से देख सकते हैं. गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स आर कमिंग इन, देयरफॉर गुड्स को डेबिट करेंगे. बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग गुड्स अकाउंट वी राइट द नेम एज परचेज अकाउंट. ठीक है, दोनों तरीका सही है. आंसर फाइनली परचेज अकाउंट डेबिट होगा विथ 60,000. ये 60,000 में से हाफ अमाउंट क्रेडिट पे है, इसीलिए मैक्सिमस अकाउंट विच इज अ पर्सनल अकाउंट, और क्रेडिट द गिवर वो हमें गुड्स दे रहा है बिना पैसे लिए, इसीलिए उसको हम क्रेडिट करेंगे 30,000. तीसरा अकाउंट है कैश. कैश इज रियल अकाउंट और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को हम क्रेडिट करेंगे 30,000. तो 60,000 परचेज डेबिट होगा, मैक्सिमस 30 से क्रेडिट होगा और कैश 30 से क्रेडिट होगा. गुड्स कॉस्टिंग 50,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 10,250 इन चेक. मतलब हमने कस्टमर को गुड्स बेचे और कस्टमर ने चेक दिया हमें. तो बच्चे लोग टोटल सेल वैल्यू कितना है जरा बताएंगे. तो सेल वैल्यू होगा आपका 50,000 का कॉस्ट प्राइस है और प्लस आपने उसमें 10,250 का प्रॉफिट ऐड किया है. तो 60,250 इज द फाइनल सेल वैल्यू. तो हमारा ट्रांजैक्शन है ना सिर्फ सेल वैल्यू से होगा, प्रॉफिट का अलग से कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा. बिकॉज अकाउंट्स में प्रॉफिट कम्स एज अ बैलेंसिंग फिगर. जब हम फाइनली अकाउंट्स बनाएंगे, तो अभी तो थोड़ा जल्दी है ये सीखना, पर फिर भी बता देता हूँ. जब हम अकाउंट्स बनाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे सेल लिखेंगे 60,250 और उसके सामने हम यहाँ पे लिखेंगे परचेज 50,000. ये एक एग्जाम्पल है. तो ऑटोमेटिकली 10,250 विल बी शोन इन अकाउंट्स एज माई प्रॉफिट. तो कहने का सिंपल पॉइंट ये है कि प्रॉफिट का कोई सेपरेट एंट्री नहीं किया जाता है. सेल का एंट्री किया जाता है विद सेल वैल्यू और परचेज का एंट्री किया जाता है विद कॉस्ट प्राइस एंड द बैलेंसिंग फिगर इज ऑटोमेटिकली द प्रॉफिट. तो इसमें अकाउंट इन्वॉल्व्ड कौन से हैं. एक है बैंक अकाउंट, एक है सेल्स अकाउंट. बैंक इज अ पर्सनल अकाउंट और डेबिट द रिसीवर, ये जो चेक है वो पैसे किसको मिलेंगे, मेरी बैंक को मिलेंगे, इसीलिए बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे. सेल्स अगेन देखने के दो नजरिए है. सेल्स को नॉमिनल अकाउंट से देखा जा सकता है एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, सो सेल को क्रेडिट किया. दूसरा नजरिया है गुड्स रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसीलिए गुड्स को क्रेडिट किया.
बट इंस्टेड ऑफ राइटिंग गुड्स अकाउंट हमने सेल्स लिखा, तो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट. नेक्स्ट है सोल्ड अ प्राइवेट कार फॉर रुपीज 40,000 एंड परचेज्ड अ न्यू कार विद द प्रोसीड्स प्लस 1.5 लाख फ्रॉम ऑफिस कैश. तो पहले एक सवाल पूछता हूं बच्चों आपसे, आपको, कि हमने जो नया कार खरीदा वो कितने में खरीदा. तो नया कार हमने खरीदा है 1,90,000 में, हाँ या ना? ऑफ कोर्स हाँ, 1,90,000 में हमने न्यू कार खरीदा. अच्छा, ये न्यू कार खरीदने के पैसे कहां से आए? सॉरी, तो न्यू कार खरीदने के लिए हमने कैश यूज किया. किसका? ऑफिस का, मतलब बिजनेस का. 1,50,000 हमने कैश यूज किया बिजनेस का, और बाकी 40,000 हमें कहां से मिला? तो ओनर ने दिया अपना पर्सनल कार बेच के. बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है किसने क्या बेचा, पैसा ओनर ने दिया ना 40,000 रुपया, मतलब ये कैपिटल है. ओके, तो हमें ओल्ड कार से कोई कंसर्न नहीं है. प्लीज डोंट राइट ओल्ड कार एंड न्यू कार, क्योंकि ओल्ड कार बिजनेस का था ही नहीं, तो बिजनेस में ओल्ड कार का कोई रिकॉर्डिंग नहीं होने वाला है. तो कौन से तीन अकाउंट इन्वॉल्व है? एक है कार अकाउंट, मतलब न्यू कार अकाउंट, फिर कैश अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. तो कार रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कार को डेबिट करेंगे विद 1,90,000. कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश इज गोइंग आउट बिजनेस का कैश 1,50,000, इसलिए कार को, सॉरी कैश को क्रेडिट करेंगे 1,50,000 से. बाकी का 40,000 किसने दिया बच्चों? हाँ, कैपिटल है, ओनर ने दिया 40,000, इसीलिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे और 40,000 क्रेडिट होगा. ठीक है, तो एंट्री है कार अकाउंट डेबिट 1,90,000, कैश अकाउंट क्रेडिट 1,50,000 और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 40,000. आइए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे, और ये नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एक्चुअली बहुत ही ट्रिकी है बच्चों, वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांजैक्शन. परचेस्ड गुड्स फ्रॉम पर्सनल फंड्स 44,000 एंड गुड्स ऑफ 4,000 विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज. अभी ना मैंने इसके दो अलग अलग ट्रीटमेंट दिए हैं, फाइनली तो आंसर इफेक्ट उसका वही होगा, बट इसको देखने के दो नजरिए हैं. टू एक्सप्लेन दिस मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. से मेरा बिजनेस है स्टेशनरी का, झील का, जो ये क्वेश्चन है तो झील का बिजनेस है. आई एम सॉरी, झील का ही क्वेश्चन है ना ये? नहीं, वो झील का तो थर्ड क्वेश्चन था. तो से इसका नाम है मिस्टर एक्स, और मिस्टर एक्स का एक्चुअल बिजनेस है स्टेशनरी को परचेज और सेल करने का. तो वो गया स्टेशनरी परचेज करने के लिए और उसने 44,000 के स्टेशनरी परचेज किए. ठीक है, और ये पैसे वो घर से लेके गया था, बिजनेस में से कैश उस दिन नहीं लेके गया था. से संडे को गया था घर से डायरेक्टली, तो ऑफिस से कैश लेके जाना भूल गया था, तो घर में कैश था, वो कैश लेके गया, 44,000 का कैश लेके गया और गुड्स खरीद लिए, स्टेशनरी खरीदा. घर लेके आया 44,000 का स्टेशनरी, और उसमें से 4,000 का स्टेशनरी उन्होंने, उसने बच्चों के लिए घर पे ही रख दिया. बच्चों के एग्जाम्स आ रहे थे NM कॉलेज के, मिडवाई कॉलेज के, तो वो 4,000 का स्टेशनरी उसने घर पे ही रख दिया और 40,000 का स्टेशनरी वो ऑफिस में लेके आया. ठीक है, ये एक देखने का नजरिया है. या दूसरा नजरिया है, 44,000 का स्टेशनरी पहले ऑफिस में आया और उसमें से 4,000 का स्टेशनरी वो घर लेके गया. आइदर वे द पॉइंट इज 40,000 का स्टेशनरी फाइनली विल रिमेन इन द बिजनेस. तो दो अलग अलग एंगल है देखने के, इसीलिए मैंने दो अलग अलग ट्रीटमेंट किया है. तो ट्रीटमेंट वन है जहां पे गुड्स हमने परचेज किए 44,000 से, दोज गुड्स वर ब्रॉट इन द बिजनेस. तो गुड्स हमने परचेज किए, तो एक अकाउंट है परचेज और दूसरा अकाउंट है कैपिटल. परचेज डेबिट होगा 44 से, कैपिटल क्रेडिट होगा 44 से. ये एक नजरिया है देखने का. उसके बाद 4,000 के गुड्स बिजनेस में से हम घर पे लेके गए, तो उसके दो अकाउंट इन्वॉल्व है, ड्रॉइंग्स और गुड्स. ड्रॉइंग्स इसीलिए क्योंकि ओनर लेके जा रहा है, तो ड्रॉइंग्स डेबिट होगा, डेबिट द रिसीवर. और गुड्स रियल अकाउंट है, गुड्स आर गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस, इसीलिए गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज नाम का एक लेजर अकाउंट खोलेंगे और उसको क्रेडिट करेंगे 4,000 रुपए से. तो बच्चों अगर नेट इफेक्ट देखा जाए तो ये गुड्स अंदर आए 44 के
और ये गुड्स बाहर गए 4000 के, मतलब गुड्स बचे कितने 40 के। ये कैपिटल क्रेडिट हुआ 44 से, ड्रॉइंग्स फाइनली कैपिटल से ही लेस होता है, मतलब नेट कैपिटल क्रेडिट हुआ 40,000 से। तो इसका नेट इम्पैक्ट देखें तो ट्रीटमेंट टू है, जहां पे हमने सीधा एंट्री पास किया है, परचेज 40 और कैपिटल 40। ठीक है, आई सपोज अकॉर्डिंग टू मी ये दोनों में से किसी भी मेथड से अगर आपने एंट्रीज पास की है देन द एग्जामिनर शुड गिव इट राइट। ठीक है, तो डोंट पैनिक अबाउट कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है, मेरे हिसाब से दोनों तरीके राइट है। पेड सैलरी टू एरियल एंड व्हील, ये वॉशिंग पाउडर की दो कंपनी है, ये लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं और इनको हमने सैलरी पे किया। बच्चों ये कैश ट्रांजैक्शन है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो ये कैश ट्रांजैक्शन है। एरियल और व्हील ने हमारे लिए पूरे महीने काम किया, महीने के एंड में एज पर द टर्म्स हमने उनको सैलरी पे किया। तो एक अकाउंट इन्वॉल्व है सैलरी और दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व है कैश। प्लीज 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 अंडरस्टैंड, इसमें एरियल और व्हील का नाम नहीं आएगा। हाँ हम उसको पैसे दे रहे हैं, पर किसी भी पार्टी का नाम अकाउंट्स में तभी आता है जब वो क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। यहाँ पे ये कैश ट्रांजैक्शन है, उसने हमारे लिए काम किया, इसके बदले में हमने उसको कैश दे दिया। तो ये सैलरी एक अकाउंट होगा और कैश दूसरा अकाउंट होगा। सैलरी नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, इसलिए सैलरी डेबिट होगा 15,000 से। कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश 15,000 से क्रेडिट होगा। परचेस्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम डूरियन कंपनी, तो इसमें दो अकाउंट है, एक है फर्नीचर और एक है डूरियन। फर्नीचर रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर डेबिट करेंगे 35 से। डूरियन कंपनी अनदर अकाउंट वेयर डूरियन इज अ पर्सनल अकाउंट एंड क्रेडिट द गिवर, तो इसलिए डूरियन को क्रेडिट करेंगे 35,000 से। स्टेशनरी हमने परचेज किया, स्टेशनरी एक्सपेंस है हमारे लिए और कैश इज अनदर अकाउंट, स्टेशनरी एक्सपेंस है इसीलिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, स्टेशनरी डेबिट करेंगे 1,500 से। कैश रियल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसलिए कैश को क्रेडिट करेंगे 1,500 से। बच्चों टेंथ क्वेश्चन में भी वर्डिंग्स एक बार मैं आपको बता दूं, टेंथ क्वेश्चन में वर्डिंग्स क्या लिखा है। तो टेंथ क्वेश्चन में, टेंथ पॉइंट में, पेड रेंट 2,500 एंड इंटरेस्ट चार्जेस टू जियो बाय चेक रुपीज 5,500। तो ध्यान से देखेंगे ना तो ये एक ट्रांजैक्शन है और ये दूसरा ट्रांजैक्शन है। ये चेक से पे किया है सिर्फ जियो के पैसे और ये 2,500 जो है वो कैश से पेमेंट हुआ है। डोंट कंसिडर बोथ एज चेक पेमेंट, तो इसको अलग अलग लिखना है ना। तो इधर मैंने लिखा है पेड रेंट 2,500 एंड जियो इंटरनेट बाय चेक रुपीज 5,500। तो रेंट का पहले एक्सप्लेन कर देता हूं, रेंट एक अकाउंट है और कैश दूसरा अकाउंट है। तो रेंट एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, 2,500 डेबिट हो जाएगा। कैश रियल है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, 2,500 क्रेडिट हो जाएगा। दूसरे में हम जियो को पैसे दे रहे हैं, अगेन ये कैश ट्रांजैक्शन है, हमने जियो से इंटरनेट सर्विसेज यूज की है, तो हम जियो को डेबिट नहीं करेंगे, हमारा नाम होगा इंटरनेट एक्सपेंसेस। नाम इंटरनेट एक्सपेंस की जगह आप और भी कुछ लिख सकते हैं, सो नाम में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट जियो तो डेफिनेटली नहीं लिख सकते हैं। ओके, इंटरनेट एक्सपेंस, वाईफाई एक्सपेंस, एटसेट्रा, वॉट एवर यू वॉन्ट टू राइट। तो इंटरनेट एक्सपेंस इज अ नॉमिनल अकाउंट, 5,500 से डेबिट होगा और ये पैसे हम बैंक से दे रहे हैं, चेक से दे रहे हैं, तो बैंक पर्सनल अकाउंट होता है और क्रेडिट द गिवर, इसलिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे। सो 5,500 रुपीज से हम ये अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सोल्यूशन पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व ऑल योर डाउट्स रिगार्डिंग द सोल्यूशन दैट वी हैव पुट अप। आई होप आपको फुल मार्क्स मिले। टेस्ट जो आपका टर्मिनल एग्जाम आने वाला है, टर्मिनल एग्जाम में बहुत तैयारी करिएगा, थोड़ा टफ पेपर होता है हमारा। हम आपको दोबारा मिलेंगे आपके टेस्ट के पहले। हम लोग बहुत सारे जो पास्ट पेपर्स हैं उसके क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस भी ऐसे ही अपलोड कर रहे हैं, तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए।
और उसको लाइक भी करिएगा, बेल बटन दबाना डेफिनेटली नहीं भूलना, ताकि हाँ आपको जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए. ओके, वी विश टू सपोर्ट ऑल ऑफ यू इन स्टडिंग एंड डूइंग अकाउंट्स. एकदम पक्का फाउंडेशन अगर आपका बहुत ही स्ट्रांग होगा तो आई एम श्योर सीए या कोई भी प्रोफेशनल एग्जाम्स देने में आपको ज़रा भी दिक्कत नहीं आएगी. अकाउंट्स का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. एज अ टीचर मैं एक और बात कहना चाहूँगा, काफ़ी बच्चे लोग फर्स्ट ईयर में अकाउंट्स के ट्यूशंस नहीं लेते हैं और उनका जो अकाउंट्स है वो थोड़ा वीक रह जाता है. तो मेरा एडवाइस ये होगा, आप किसी भी प्रोफेसर टीचर के पास पढ़िए, बट फर्स्ट ईयर जूनियर कॉलेज यू मस्ट हैव अकाउंट्स वेरी 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 स्ट्रांग. एक फाउंडेशन है, एक पिलर है जिस पे आप कोई भी बड़ी इमारत लाइक सीए सीएस आप बिल्ड कर सकते हो. सो इट्स माय रिक्वेस्ट, इफ नॉट देन एटलीस्ट हैव अ रेगुलर लुक एट ऑल द वीडियोस दैट वी आर प्रिपेयरिंग. यू नो इट इज फ्री ऑफ चार्ज अवेलेबल टू ऑल ऑफ यू. ओनली अ स्मॉल थिंग इज रिक्वायर्ड इज योर सॉर्ट ऑफ इंटरेस्ट इन लर्निंग द सब्जेक्ट, अ डिवोशन एक्सक्लूसिव टाइम दैट ओके आई विल हैव अ लुक एट द वीडियोज. We have also uploaded lot of videos of accounts already, and we are in the process of making videos and uploading regularly. So don't forget to subscribe and see you next time. Bye bye. Thank you.